अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको हमेशा हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हर किस्म की नागहानी आफत और बलाओं से हमेशा महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और मैंने लास्ट ब्लॉग अपना शेयर किया था आप लोगों से, जिसमें मैंने बताया था कि मैं अल ऐन गई थी, क्योंकि मेरी सिस्टर भी जो हैं वो दुबई में ही रहती हैं, मतलब मेरी सिस्टर, बहनोई, मेरी भांजी और मैं अबू धाबी में रहती हूँ। तो हम सब ने प्लान किया था कि हम लोग जो हैं अल ऐन जाएंगे मिलकर वीकेंड पर। तो बस ये उसी का व्लॉग है, लेकिन हम लोग मैं जब जबले हफीद गई थी तो मैं वहाँ का आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा यही अच्छा मौका आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस व्लॉग में शेयर करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता और आप लोग डेफिनेटली बोर हो जाते, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो अभी जो है वीडियो तो ये खैर कुछ टाइम पहले का है, लेकिन ये कि वॉइस ओवर मैं अभी कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे सो रहे, तो मेरे पास यही एक मौका है कि मैं सुकून से जो है वॉइस ओवर कर सकती हूँ और आप लोग के साथ शेयर भी कर सकती हूँ। अभी हम लोग जा रहे थे बिल्कुल टॉप पर जबले हफीद, और ये बहुत प्यारा बना हुआ है, बहुत सारे लोग तो गए भी होंगे। हम लोगों ने एक्चुअली बारबेक्यू का प्लान किया था, बारबेक्यू से फारिग होकर, ठंड भी थी, मज़ा भी आ रहा था, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बारबेक्यू से फारिग होकर अच्छे से खा पी कर फिर हम लोगों ने प्लान किया कि फिर हम लोग जाएंगे टॉप पर। और अब बस मैं वहीं का जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वॉइस ओवर बहुत मुश्किल काम है, जब तक सुकून से ना कर सके ना कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे हमारी गाड़ी ऊपर जाती जा रही है, जाती जा रही है, ऐसा लग रहा था जैसे झूला मिल रहा है। फैमिली के साथ गए थे तो बहुत मज़ा आ रहा था, हम सिस्टर्स थे, बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी टाइम बाद ऐसी पिकनिक प्लान की थी। आगे आपको बाकायदा हवा का शोर भी, आवाज़ भी सुनाई देगी, बहुत अच्छा लग रहा था, हमारा वापस आने का बिल्कुल दिल नहीं हो रहा था। और एक और बात मैं आपसे बस शेयर करना चाह रही थी, मैंने कहीं पे पढ़ा था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे तो दिल को छू गया, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। कि एक आदमी ने जो है एक बुज़ुर्ग से पूछा कि जब मैं अल्लाह से मांगता हूँ तो वो तब क्यों नहीं अता करता। तो बुज़ुर्ग ने बहुत प्यारा जवाब दिया उस आदमी को कि जब तू गुनाह करता है तो तेरा अल्लाह सज़ा भी तो उस वक्त नहीं देता। तो ये चीज़ जब मैंने पढ़ी ना तो मेरे दिल को इतना ज़्यादा, मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँ कि वाकई हमारा अल्लाह जो है वो गफूर और रहीम है। हम दिन भर में, जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं, ख़ता के पुतले हैं, बहुत गुनाह हो जाते हैं हम लोगों से, छोटे बड़े हर तरह के गुनाह हो ही जाते हैं हम लोगों से, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। और जब अल्लाह ताला हमारी दुआ नहीं सुनता तो हम फ़ौरन से गिला करते हैं कि अल्लाह पाक तूने हमारी दुआ नहीं सुनी। तो बस ये चीज़ शेयर करने का मकसद मेरा बस यही था कि हर हाल में शुक्र अदा करें। यहाँ पे एक और मैं चीज़, मैं कोई ये नहीं कह रही कि बस मैं अपने हस्बैंड की तारीफ़ कर रही हूँ, बट एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो मुझे थोड़ी सी भी चीज़ वेस्ट नहीं करने देते। समटाइम ऐसा होता है मुझसे बच जाता है, मैं कहती हूँ नहीं खाया जा रहा या ये रख देती हूँ, वो बिल्कुल भी मुझे वेस्ट नहीं करने देते। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो रिस्क की बहुत कदर करते हैं। बस हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल भी बोर नहीं करना चाहती। और इतनी सारी लाइटिंग हुई हुई थी ना, इतना प्यारा लग रहा था। थैंक यू इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने का, दिल खुश हो जाता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, सच में बहुत ज़्यादा दिल खुश हो जाता है। बस हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं, फिर मैं आपको आगे चल के भी दिखाती हूँ कि कैसा व्यू है। ये देखें, ये सारी लाइटिंग हुई हुई है और हम यहाँ से पूरा ड्राइव कर आए हैं।
ये रियल में देखने में तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है, नो डाउट। ऑलमोस्ट हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं ऊपर, करीब ही थे हम लोग। फाइनली पहुंच गए हम लोग ऊपर। बहुत सारे लोग आए हुए थे यहाँ पे, तो पिकनिक बहुत लोग एंजॉय करते हैं, सब लोग बारबेक्यू के लिए लाजमी आते हैं। रेस्टोरेंट्स भी बने हुए थे यहाँ पर, और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरे हस्बैंड कह रहे थे स्वेटर पहन लो, शॉल ले लो, मैं कहती थी ठंड नहीं है, बिल्कुल भी ठंड नहीं है, लेकिन जब ऊपर आए तो आप यकीन करें बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था। अब मैं आपको थोड़ा सा करीब करके भी दिखा रहा हूँ जितना मुझसे हो रहा है। ये देखें, ये मैं आपको नीचे से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बस यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था, और पेट वगैरह तो हमारा भरा हुआ था, इतना कुछ हमने खा लिया था, बारबेक्यू तो था ही, इतना मज़े का, बहुत औसम था। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं, पहले मैंने आपको दिखाया था जब हम लोग ऊपर जा रहे थे, अब हम लोग फाइनली नीचे की तरफ जा रहे हैं, और ये हमारे घर की वापसी है। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी सजेशन देनी हो ऑलवेज़ वेलकम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।